खिला के आप स्टार बन सकते हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़े की कसम खाकर सुपरस्टार बना जा सकता है। और ये कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कौन लोगों को चाय और समोसा खिलाकर और ब्रेड पकौड़े की कसम खाकर सुपरस्टार बन गया। जब से रणवीर सिंह ने होश संभाला था ना, तो एक ही बात जहन में थी कि बनूंगा तो हीरो। थोड़े मोटे से थे बचपन में, और घर पर जब कोई आंटी आती थी और गाल खींचती थी ना कि अरे अरे बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो बोलते थे और क्या हीरो। वो भी देखते थे कि अच्छा बेटा मोटू हीरो बनेगा, कोई बात नहीं बन बेटा बन। ये शौक रणवीर को चढ़ा उनकी दादी की वजह से। दादी रणवीर को VCR पर अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाया करती थी। वो बोलती थी बेटा ऐसा ही बनना है, बिल्कुल शहंशाह अजूबा सब रणवीर सिंह ने फिल्में देखी और ठान लिया कि भाई बनना है तो हीरो और कुछ नहीं। अब भाई हीरो बनना है तो डांस वांस तो आना चाहिए, परफॉर्मेंस तो आनी चाहिए। तो पहली परफॉर्मेंस जो रणवीर सिंह ने दी वो 8 साल की उम्र में दी। फिल्म का नाम था हम और गाना था जुम्मा चुम्मा। घर के बगीचे में दादी ने कहा बेटा नाचो, और दादी का पोता हो गया शुरू। खैर अब फिल्मों में आना आसान काम तो था नहीं, और रणवीर भी ये जानते थे। तो रणवीर ने शुरू में एडवर्टाइजमेंट्स लिखनी शुरू की, एड्स लिखने शुरू किए। पापा की मदद से एक नौकरी मिल गई, लेकिन कीड़ा तो दिमाग में बसा हुआ था कि बनना है हीरो। इसके बाद रणवीर अमेरिका चले गए एडवर्टाइजिंग का कोर्स करने, और लगे हाथ उन्होंने सोचा कि भाई एक्टिंग का भी कोर्स कर लेता हूं। लेकिन वहां सिर्फ एक क्लास में एक ही सीट बची थी, क्या करते गए। तो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि भाई सब लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ जो है परफॉर्म करेंगे। अब रणवीर सिंह की जब बारी आई तो गए अंग्रेजों के बीच में, उन्होंने सुना डाला अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का डायलॉग, तुम्हारे पास बंगला है तुम्हारे पास गाड़ी है। अंग्रेजों के बीच में ये डायलॉग सुनाया और अंग्रेज सब देख रहे हैं कि भाई क्या क्या बोल रहा है ये। लेकिन बंदे में कन्विक्शन जबरदस्त थी, उनको बात भले ही समझ में नहीं आई लेकिन ये समझ में आ गया कि भैया कुछ तो अच्छा कर रहा है। और रणवीर का सिलेक्शन हो गया और एक्टिंग कोर्स में उन्हें एडमिशन मिल गया। और रणवीर ने इस तरह से एक्टिंग का कोर्स अमेरिका से कंप्लीट कर लिया। अब भाई हमारे अंदर रणवीर जितनी एनर्जी तो है नहीं, तो बाकी बातें बैठ के कर लेते हैं। और आपको अभी समोसे की कहानी भी तो बतानी है। तो रणवीर ने एक्टिंग का कोर्स कर लिया, और इसके लिए उनके पापा को भी जो है काफी जतन करने पड़े। उनके पापा को अपना घर बेचना पड़ा, गाड़ी बेचनी पड़ी, उन्होंने बस तक से ट्रेवल किया क्योंकि पैसे नहीं थे ज्यादा। खैर रणवीर जब स्ट्रगल करके आए और उन्होंने फिर अपना पोर्टफोलियो बनवाया, और पापा ने उसमें भी बहुत मदद की। रणवीर हर चीज जो है ना वो टॉप नॉच करना चाहते थे कि मेरा पोर्टफोलियो बने तो शानदार, जो फोटोग्राफर हो शानदार, प्रिंटिंग भी जो हो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। और एक प्रिंटर से कॉन्टेक्ट किया जो रणवीर के पापा के दोस्त थे। उस प्रिंटर ने कहा कि भाई देखो तुम डिस्काउंट भी मांग रहे हो, तो तुम एक काम करो रात 12 बजे से लेके 8 बजे तक तुम जो है अपनी प्रिंटिंग करवा लो और यहां बैठो। तो रणवीर रात में 12 बजे से लेकर और 8 बजे तक वहां बैठा करते थे, प्रिंट्स निकलवाया करते थे। खैर स्ट्रगल अभी जारी था, काम कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में रणवीर ने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया। उस थिएटर ग्रुप में रणवीर चाहते थे कि रिहर्सल्स जो हैं उनमें उन्हें काम करने का मौका मिले, उन्हें देखने का मौका मिले, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, सबको लगता था कि ये तो नया बच्चा है। तो रणवीर ने क्या किया, वहां पर जो एक्टर रिहर्सल करते थे ना उन्हें चाय और समोसे देना शुरू किया।
सिर्फ इसलिए कि उन्हें थिएटर में कोई छोटा मोटा सा रोल करने को मिल जाए, और इस वजह से किस्मत भी खुली, उन्हें एक लाइन का रोल जो है वो दिया गया। लेकिन रणवीर तो रणवीर, वो एक लाइन में भी उन्होंने 8-10 लाइनें जो है कह डाली और सब लोग जो है वो काफी इंप्रेस भी हुए। अब रणवीर को फिल्में तो भी नहीं मिली थी, तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उनके दोस्त शाद अली थे, शाद अली ने उनसे कहा कि भाई आप आ जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कीजिए। रणवीर गए और 1.5 साल तक वो काम किया, लेकिन बहुत मेहनत का काम था, 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, और रणवीर का वजन बढ़ने लगा। रणवीर को लगा कि भाई ऐसे में तो मैं हीरो वीरो तो बन नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। देखिए, रणवीर की एक दोस्त थी शानू, जो रणवीर के साथ ही स्ट्रगल किया करती थी, वो यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर बन गई, और रणवीर ने उन्हें भी अपना पोर्टफोलियो भेज दिया। बोला प्लीज 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 देख लियो यार, किसी को तो दिखा दियो, आदित्य चोपड़ा को दिखा दियो, किसी को भी दिखा दियो। तो उसने कहा अच्छा चल ठीक है ठीक है। एक दिन रणवीर डेट पे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब गर्लफ्रेंड कौन सी ये मत पूछिएगा, क्योंकि बहुत रहेंगे, क्योंकि अब दीपिका पादुकोण के साथ सेटल है। तो डेट पे थे, तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे शानू के, अच्छा अपने फोन उठा ले, रोमांस चल रहा था। इतने में रणवीर के फोन पर एक मैसेज आया शानू का, और उसमें दो शब्द लिखे हुए थे, वो दो शब्द थे आदित्य चोपड़ा। सुनते ही रणवीर उछल पड़े, तुरंत फोन मिलाया। पहले तो शानू ने डांटा कि मैं तेरे को फोन कर रही हूं और तुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि तू फोन उठा ले, वैसे तुझे काम चाहिए। उसने कहा अरे भाई अब तू बता दे क्या चाह रही है। उन्होंने कहा कि आदित्य चोपड़ा तुमसे मिलना चाहते। विश्वास ही नहीं हुआ, बोला वो तो नए लोगों को लॉन्च करते ही नहीं है, वो तो स्टार्स को लेते हैं। बोला नहीं, वो फिल्म बना रहे हैं बैंड बाजा बारात, और उसमें नए लड़के को लेना चाहते हैं। रणवीर ने पहला ऑडिशन दिया जो बहुत अच्छा गया, तो भाई साहब को लगा कि भाई मैं तो फट्टे चक दूंगा। लेकिन उसके बाद के जो ऑडिशन हुए ना वो अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में ऑडिशन चल ही रहे थे कि रणवीर कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कमरे में किसी शख्स की एंट्री हुई। उन्होंने देखा तो सामने साक्षात आदित्य चोपड़ा खड़े। रणवीर एकदम हैरान से हो गए कि आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि क्या कर रहे हो भाई तुम, पहला ऑडिशन तुमने इतना अच्छा दिया और अब तुम क्या कूड़ा कर रहे हो तुम। देखो एक चांस और दे रहा हूं, आदित्य चोपड़ा ने कहा, ये अच्छा हुआ तो फिल्म तुम्हें मिल जाएगी। रणवीर ने वो ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुए। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि तुम लंबी रेस के हो रहे हो। अच्छा, समोसे की कहानी तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन ब्रेड पकौड़े की कहानी तो अब तक आपने गेस कर ली होगी। बैंड बाजा बारात में रणवीर इसी ब्रेड पकौड़े की कसम खाते हैं बिजनेस करने के लिए अनुष्का के साथ। इसके बाद रणवीर ने खूब फिल्में की और खूब छाए। पद्मावत में उनकी बहुत तारीफ हुई, कई फिल्मों में तारीफ हुई, लेकिन पद्मावत में जो खिलजी का किरदार था वो रणवीर भी कहते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। और एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्हें लगा वो कर ही नहीं पाएंगे। कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे कि ब्लड निकलने लगा उनकी बॉडी से। तो रणवीर ने अपनी मम्मी को फोन किया, रोने लग गए कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है। सोचिए इतना बड़े स्टार वो बन चुके थे, उसके बाद भी पद्मावत की शूटिंग के दौरान मम्मी को फोन करके रो रहे हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। मम्मी ने कहा नहीं नहीं होगा। खैर रणवीर से हुआ और वो उनके काम की जो है तारीफ भी हुई, और मस्त अंदाज में जो है वो रहते हैं हमेशा, और एनर्जी तो उनकी शानदार है। बाकी ड्रेसिंग सेंस कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आते हैं फोटोग्राफ्स आती हैं तो समझ में नहीं आता कि भैया आपने कपड़े पहन के आए दीपिका के कपड़े पहन के। लेकिन जो भी हो उसे भी बहुत शानदार तरीके से कैरी करते हैं। मुझे लगता है दीपिका भी उन कपड़ों को इतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाती होगी जितने अच्छे से रणवीर कैरी कर लेते हैं। ये थी रणवीर सिंह की कहानी। उम्मीद है कि रणवीर इसी तरह से कामयाबी की कहानियां और लिखते रहेंगे, और ऐसे दौर में जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, रणवीर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने स्ट्रगल से ये मुकाम बनाया है। हालांकि कुछ अफवाहें ऐसी उड़ी कि रणवीर के पापा ने आदित्य चोपड़ा को पैसे दिए रणवीर को लॉन्च करने के लिए। रणवीर इन अफवाहों से जो है बहुत दुखी भी हुए थे,
क्योंकि जो शख्स अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है वो इस तरह की बातों से परेशान होता ही है। तो लेकिन खैर उन सब बातों को दरकिनार करके रणवीर जो है इस वक्त बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और उम्मीद यही कि कामयाबी की एक कहानी बदस्तूर जारी रहेगी और ब्रेड पकौड़े की कसम रणवीर आगे भी खाते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।